उगते सूरज की किरणों को अपने हरे भरे आंचल में दुलारती धरती हमारे जीवन की बेहतर परवरिश करती है। इसी अन्नदायी धरती की उपजाऊ मिट्टी में बीज अंकुरित होकर फलती फूलती वनस्पतियों में बहकर जीवन का रस बनाता है और इसी अमृत रस की शक्ति में है अच्छी सेहत के रहस्य। अचूक पोषक तत्व, पोषकता यानी गुणवत्ता से भरपूर संतुलित भोजन, आहार ही स्वस्थ खुशहाल और लंबी आयु प्राप्त करने का आधार है। सौभाग्य से हजारों पोषक वनस्पतियों की बेमिसाल सौगातों का धनी है हमारा मध्य प्रदेश। आप जनता की चिंता करो, हम आपकी चिंता करेंगे। अरे आपके काम है कि कुपोषण में सबसे बड़ी गिरावट हिंदुस्तान में अगर किसी राज्य में आई है तो अपने मध्य प्रदेश में आई है। इसे मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आइए मिलकर अपने प्रदेश को बढ़ाए, अपने प्रदेश को बनाए और बाल बच्चों को भविष्य को ठीक करें और उसके लिए अपने कर्तव्यों का पालन हम पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का सनातन संदेश देते हुए अनेक सकारात्मक कार्यक्रमों अभियानों की शुरुआत की है। कुपोषण मुक्त मध्य प्रदेश भी उनमें से एक है। इस हेतु प्रकृति से पोषण की दिशा में महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश निरंतर अग्रसर है। महिला बाल विकास विभाग का एक महत्वपूर्ण जवाबदारी है माताओं को, बेटियों को, बच्चों को स्वस्थ रखना, उनके पोषण की यथायोग्य चिंता करना। हम एक नई योजना प्रारंभ कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के हस्ते, वह योजना है पंचवटी से पोषण प्रारंभ कर रहे हैं। सोजने से अर्थात सहजने से मुनगे से ड्रमस्टिक्स, पंचवटी वह जो सबको पोषण दे, जो समाज को स्वस्थ रखे, बलिष्ठ रखे। प्रदेश में मौसमी फल सब्जियों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध पोषक तत्वों का उपयोग नियमित भोजन में करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका लगाई जा रही है। किशोरियों और अन्य हितग्राहियों को भी इस हेतु प्रेरित किया जा रहा है। सहयोगी संस्थानों के साथ मिलकर जन जागृति का एक व्यापक अभियान पूरे प्रदेश में लागू करने का संकल्प लिया है। हमने हर गांव में किचन बाड़ी बनवाई है, इसमें हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का काफ़ी सहयोग रहा। ये हमारा कुपोषण को दूर करना, कुपोषण को खत्म करना हमारा उद्देश्य है। मैदानी स्तर पर सुपोषण के प्रचार और आवश्यक सामग्री की उपलब्धता तथा मार्गदर्शन के पर्याप्त संसाधन जुटाए जा रहे हैं। इसमें बाड़ी वाटिका तैयार करने, पौधों को रोपने, सींचने और उनकी बेहतर देखभाल के लिए विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि बाड़ी और बगीचे में उगे फल सब्जी का नियमित सेवन किया जा सके। अलग अलग पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए यह पहल निश्चय ही लाभकारी होगी। ट्रेनिंग ली थी, उसमें हमें मतलब हमारे आंगनवाड़ी में हमने ये किचन वाटिका लगाई है जिससे हमारे बच्चे बच्चे हरी ताजी सब्जी मिल सके और हमने अपने अधिकारियों को भी ये समझाई दी है ताकि वो अपने घर में वो पौधा लगाए जिससे उनके बच्चों को अच्छी सब्जियाँ मिल सके। सब्जी लगाई के यहाँ से ही तोड़ के बना लो ताजी सब्जी अच्छी बच्चा उनके खिलाने के लिए और अच्छा रहता है, बच्चा भी तंदुरुस्त रहता है इसके लिए। हमारी गौ गर्भवती है तो उसके लिए भी आंगनवाड़ी के मैडम ने बोला था कि आपको साग सब्जी कुछ घर पर वो लेना चाहिए, उनकी कमी है इनको तो हमने वो रखी तो अभी तो भी थोड़ी स्वास्थ्य ठीक है और खून की भी अभी कमी नहीं है। इस कड़ी में एक और प्रयास है पंचवटी से पोषण अभियान। अभियान प्रकृति के अनमोल उपहार फलदार वनस्पतियों से भोजन में शरीर को ताकत और ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों को पाने का अभियान, महिलाओं और बच्चों को उनकी आवश्यकता अनुसार पोषित करने का अभियान के तहत गुणधर्म के आधार पर बीज वनस्पतियां सुरजना, आंवला, आम,
नींबू और पपीता आदि होंगे। इनके नियमित सेवन से शरीर में पोषक तत्वों की भरपाई पूरी होगी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी जो किसी भी रोग से लड़ने में शरीर की सहायता करती है। वाटिका हम लोगों ने लगाई है, ये जैसे ये सूरजने की फली है, इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो अति कम वजन के बच्चे रहते हैं फली को भोजन में उपयोग करने से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है कि हमें भी अपने घर में इस तरह के पौधे लगाने चाहिए। आइए हम सब एक मजबूत इरादे से जुड़कर पंचवटी से पोषण के इस महाअभियान को एक कारगर पहल बनाएं। स्वस्थ जीवन ही सुनहरे भविष्य का आधार है।